बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। मैं इसी नाम से, मेरे चैनल के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ। किसी किस्म की कोई बात समझ में ना आए तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो बेटा इन क्वेश्चन में देखें कि इन क्वेश्चन में इनको हमें सॉल्व करना है। हमने ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जब हम ए का या बी का स्क्वेयर लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी बन जाती है, लेकिन हम स्क्वेयर एक वैल्यू का अकेला स्क्वेयर नहीं ले सकते, बल्कि जो भी एक्शन होना होता है ना वो दोनों तरफ होना होता है। तब हम ये जो ए प्लस बी या ए माइनस बी होगा ना, हमेशा इसी का हमने स्क्वेयर लेना है, लेकिन स्क्वेयर लेना दोनों साइड्स का। तो इस तरह करके मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। इसी वैल्यू को दोबारा लिखा, इसका इधर भी स्क्वेयर और इसका इधर भी स्क्वेयर कर दिया। अब बेटा ये बन गया हमारा ए प्लस बी होल स्क्वेयर। तो इसका फार्मूला हमें पता है ना क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो प्लस हो तो प्लस टू ए बी इक्वल टू का इक्वल और फोर का स्क्वेयर होता है 16। इस टाइप में अब हम ना ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू लिख देंगे 3, तो बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ये 2 ए बी के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, इक्वल का इक्वल और 16। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और बाकी सब कुछ एज इट इज़, 3 to the 6 ये भी एज इट इज़, ये इक्वल है दरम्यान में। अब हमने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो इधर आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू उधर चल जाएंगी। तो 6 ही है तो 6 ये इक्वल है, तो ये प्लस 6 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाकर प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा, साइन चेंज होता है तो दूसरी तरफ। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 16 से 6 माइनस किया तो बेटा 10 आ गया। तो ये बेटा इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर हमने फाइंड करना है और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर आएगा ना, तो इसलिए हमने दोनों साइडों का स्क्वेयर ले लेना है। तो ये बेटा वैल्यू में एज इट इज़ नीचे लिखी, अब इसका भी स्क्वेयर और इसका भी स्क्वेयर। तो ये जो स्क्वेयर लेते हैं ना, ये फिर सारी वैल्यू का एक ही स्क्वेयर होना होता है, हम अलग अलग स्क्वेयर नहीं ले सकते। अब ये प्लस के पहले वाली वैल्यू को हम ए कहेंगे, प्लस के बाद वाली सारी वैल्यू को हम बी कहेंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए, ए क्या है, ये पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी वैल्यू बी होती है, तो टू ए बी होता है ना, ए बी इक्वल का इक्वल और फोर का स्क्वेयर 16। जिस तरह हमारी क्लासरूम होती है ना, जो क्लासरूम में अगर 8th क्लास है, जो पहला कमरा होता है उसको 8th ए बोलते हैं, जो दूसरा कमरा होता है उसको 8th बी बोलते हैं, इसी तरह ये साइन के पहले वाली वैल्यू जो कुछ भी होगी उसको हमने ए कहना है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने बी कहना होता है। तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये टू ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये ए, ये ऊपर एक्स है, ये नीचे एक्स है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कटिंग हो गया, तो बाकी ये प्लस का टू है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, इक्वल का इक्वल आ गया। ये प्लस टू जब इक्वल के उधर जाएगा तो उधर जाके ये माइनस का टू हो जाएगा 14। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये स्क्वेयर है ऊपर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू दी हुई है और ए माइनस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये जो बगैर स्क्वेयर के वैल्यू होती है ना, इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ, इससे ज़रा हमें आसानी हो जाती है कि इसको हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ता। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी ना स्क्वेयर वाली, तो इस वाली वैल्यू को मैं एंड पे लिख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो ये बेटा अब इस वाली वैल्यू का इधर भी स्क्वेयर और इधर इधर भी स्क्वेयर कर दिया, ये पावर टू कर दिया, उर्दू में मुरब्बा कहते हैं स्क्वेयर को। तो ये ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। अगर माइनस होना तो टू ए बी के साथ माइनस आता है, यहाँ प्लस ही आता है और टू का स्क्वेयर 4। अब ए बी की जगह पर ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 into 1, ये एज इट इज़। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 the 2। नेक्स्ट टाइम में यह बस ये माइनस टू उधर चला जाएगा, ये इक्वल का इक्वल आ गया, 4 का 4 माइनस 2 इक्वल के उस पार जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा
क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू सिक्स, ये बेटा इसका आंसर आ गया।